दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक बेहद ही खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है। जी हां, उन्होंने अपनी इस प्लेइंग 11 में एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी की वापसी कराई है जिसका नाम सुनते ही हर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक खुशी से उछल पड़ेगा। इसके साथ ही धोनी ने अपनी टीम में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या है विश्व कप के लिए धोनी की प्लेइंग 11, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा में से महान कप्तान कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एशिया कप के बाद अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप पर टिकी हैं, जहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है चैंपियन बनने के बाद पूरा जोर लगाती हुई नजर आएंगी। इस बार टीम इंडिया को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप में भारत का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा था। बावजूद इसके भारत T20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है। ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए माही ने एक बेहद ही खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, धोनी ने अपने प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी में कुछ ऐसा बदलाव किया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को मौका दिया है ओपनिंग पेयर्स के लिए। अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग में शतक लगाने वाले विराट को धोनी ने ओपन करने का मौका दिया है। महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम में अनोखे बदलाव के लिए ही जाने जाते हैं। वो जब कप्तान भी थे तब भी माही ऐसा किया करते थे और एक बार फिर से उन्होंने ओपनिंग प्लेयर में बड़ा बदलाव किया, जहां KL राहुल को उन्होंने अपनी टीम में मौका नहीं दिया है। इसी के साथ नंबर 3 की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव निभाते हुए नजर आएंगे। सूर्या नंबर 3 पर बेहद खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और उनके पास समय भी रहेगा, उसको देखते हुए धोनी ने उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सूर्या पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा मध्य क्रम की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के कंधों पर रखी है। जी हाँ, सही सुना आपने, माही ने पंत और कार्तिक दोनों को ही अपनी टीम में जगह दी है। जहाँ ऋषभ पंत नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे तो वहीं हार्दिक पांड्या के बाद दिनेश कार्तिक निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका भी निभाएंगे। दिनेश कार्तिक को इसी भूमिका के लिए टीम इंडिया में जगह भी मिली है। वहीं ऑलराउंडर की जिम्मेदारी धोनी ने युवा प्रतिभा दीपक हुड्डा के कंधों पर रखी है। दीपक हुड्डा इससे पहले टीम इंडिया के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किए हैं, हालांकि उनको गेंदबाजी में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी वो गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ स्पिन विभाग की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल निभाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, माही ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से स्पिन विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी है। एशिया कप में युजवेंद्र चहल का प्रदर्शन अच्छा रहा था, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाए थे। अब T20 विश्व कप में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी धोनी ने सभी को हैरान करते हुए जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार के साथ मोहम्मद शमी के कंधों पर रखी है। जी हाँ, माही ने सबको चौंकाते हुए अर्शदीप सिंह को मौका नहीं दिया है और न ही हर्षल पटेल को। इन दोनों ही गेंदबाजों के ऊपर उन्होंने अनुभव को तवज्जो दी है। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार के साथ मोहम्मद शमी पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे, पर ये धोनी की महानता ही है कि उन्होंने एक बार फिर से मोहम्मद शमी की वापसी कराई है। दोस्तों, माही की ये टीम बेहद ही खतरनाक नजर आ रही है, जिसे पार पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लग रही है और T20 विश्व कप के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की लग रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की तरफ से रोहित ज्यादा रन बनाएंगे या फिर विराट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।